रोड मैप में, पर्यावरण में हम क्या पढ़ेंगे? अभी तो ऐसे लग रहा होगा बच्चों को, यार जी पर्यावरण में हम पढ़ेंगे क्या, ये तो बता दो पर्यावरण तो क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पर्यावरण में बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, सामान्य तौर पर तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में जैविक संघटक होते हैं, अजैविक संघटक होते हैं, यानी पर्यावरण में होता क्या क्या है हमारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे सामान्य तौर पर आपने एक परिभाषा सुनी होगी पर्यावरण की, कोई देगा कोई पर्यावरण की परिभाषा? स्कूल में पढ़ के आए होंगे क्लास 5, 6, 7, 8 में। ठीक है, कोई भी एक जना सही से, नया बच्चा बताओ जो 12th करके आया है, वो पर्यावरण की परिभाषा दो, क्या होता है पर्यावरण, हाथ खड़ा करके जिससे मुझे समझ में आ सके बातें। इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण छोटी सी बात है, कोई है जो बता सके इस बात को, बताइए, है कोई? एक भी नहीं है जी। भैया बताओ कहां से हो, पहले बताओ, जसपुर से हो, तो एक बार तालियां बजनी चाहिए भाई के लिए, पता है तुम में से इतने लोगों में से हिम्मत करी है, खड़े होके जवाब दे रहा, लो सीटी भी बज रही है। ठीक है, बताओ क्या होता है पर्यावरण? हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो पर्यावरण है, ये दीवार, ये टीन और ये वाली दीवार और पीछे वाली दीवार, ये पर्यावरण है। चारों ओर का मतलब क्या है, जैसे वही तो, यही तो मतलब है, यही तो प्रैक्टिकल समझना है हमें, किताबी उससे बाहर निकलना है ना, हमें उसको समझना है प्रैक्टिकल करके कि यार है क्या। अब तक पढ़ के हुए हैं लोग ऐसे बढ़ाते थे, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बनाया, परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब हो गया घेरे रखने वाली चीज, यानी परत, यानी हमें जिन चीजों ने चारों ओर से घेर रखा है उसे हम कहते हैं पर्यावरण। तो मैं आपसे कहता हूं, आप मेरे को बताओ, आपको चारों ओर से, अगर आज कोई एक व्यक्ति है उसे चारों ओर से किन चीजों ने घेर रखा है? तो आप कहोगे जी चारों ओर से देखो, एक तो वायु है या वायु या नहीं है दोस्त? वायु के अलावा पत्थर भी है, पत्थर भी है, इसके अलावा पेड़ पौधे भी हैं, पेड़ पौधे भी तो हैं, इसके अलावा केवल तुम ही थोड़ी हो, बाकी जानवर भी हैं, मतलब जानवर का मतलब इंसान तो है ही है, लेकिन और जीव जंतु भी तो हैं। तो पेड़ पौधे, जानवर है या नहीं, पानी, पानी है या चारों ओर नहीं है? हाँ जल भी है, जल भी तो है ना। ठीक है, तो वायु हो गया, जल हो गया, और बताओ क्या सोच पा रहे हो आप? मृदा, मिट्टी ले लें, चलो मृदा, मृदा है, और बताओ। आप कहोगे सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते हैं वो भी तो हैं, भले ही दिखाई नहीं दे रहे हो वो भी तो हैं, यानी सूक्ष्म जीव। ये तो कहने का मतलब ये है, मनुष्य को जिन चीजों ने चारों ओर से घेर रखा है उनसे मिलकर के क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। सामान्य तौर पर हमारे चारों ओर जो चीजें हैं, वायु है, पत्थर है, जल है, मृदा है, ये सब चीजें हैं, और इसके अलावा पेड़ पौधे हैं, जानवर है, सूक्ष्म जीव है। लेकिन इनमें आपको दोनों चीजों में एक अंतर दिखाई दे रहा होगा शायद, कि ये वाली जो चीजें हैं ये मृत हैं, यानी ये निर्जीव हैं। जल सजीव थोड़ी है, जान नहीं है ना उसमें, ऐसी वायु है, जल है, पत्थर है, ये सब चीजें क्या हैं? ये मृत हैं। अगर मैं कहूं पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, तो ये सब कैसे हैं? ये सब सजीव हैं, ये सब जीवित हैं, इनके अंदर जान है। तो जो चीजें सजीव होती है ना उनको हम बोलते हैं जैविक, बैठ जाओ, जो सजीव होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जैविक, और जो निर्जीव होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अजैविक। क्या ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? जैविक और अजैविक स्वतंत्र नहीं है, ये इन पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग हैं, हम वायु लेते हैं, पेड़ पौधे हैं, वो मृदा से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो वायु भी लेते हैं, हम भी पानी पीते हैं, पेड़ पौधे भी जो है वो आपका वो पानी को सोखते हैं, यानी वो भी पानी लेते हैं, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही प्रकार के चीजें, जैविक भी और अजैविक भी। इन्हें मैं कंपोनेंट्स कह सकता हूं, कंपोनेंट्स मतलब होता है संघटक, संघटक बोलते हैं, यानी हमें चारों ओर से
कौन सी चीजें घेरे रखती हैं? आप कहेंगे जैविक संघटक और अजैविक संघटक, इसे हम बोलेंगे अजैविक संघटक। इन दोनों के अलावा एक चीज है जो हम भूल गए, वो भी हमारे चारों ओर है, पता है वो क्या है? वो है लाइट, प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है। लाइट प्रकाश, या इसे मैं कह सकता हूं ऊर्जा। एक और चीज भी है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा। तो सामान्य तौर पर अब पर्यावरण की परिभाषा कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। आप कहेंगे हमारे चारों ओर के जैविक और अजैविक संघटकों से मिलकर बनने वाला तंत्र पर्यावरण कहलाता है, यानी वो एनवायरमेंट कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि पर्यावरण क्या होता है, तो सीधी सी परिभाषा बन गई, पर्यावरण जैविक और अजैविक संघटकों से मिलकर बनता है। यानी इसमें दो प्रकार के संघटक होते हैं, एक जैविक होते हैं और दूसरे अजैविक होते हैं। जैविक और अजैविक, जैविक को क्या बोलते हैं? बायोटिक बोल देते हैं। कई बार जैविक शब्द का यूज आपने सुना होगा ऑर्गेनिक के रूप में भी, ऑर्गेनिक को भी जैविक बोल देते हैं। कैसे? जैसे आपने सुना होगा जैविक खेती, जैविक कृषि, सुना है? ठीक है, और वहां पर हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, या सामान्य तौर पर जैविक को बायोटिक भी बोल दिया जाता है। पर्यावरण दो चीजों से मिलकर बनता है, जैविक से और अजैविक से। जैविक में कौन कौन आते हैं? आप कहोगे जैविक में एक तो आते हैं पेड़ पौधे, यानी जो जीवित है, पेड़ पौधे आते हैं। दूसरा क्या आते हैं? जंतु। अच्छा, पेड़ पौधे और जंतु में अंतर समझते हो आप क्या होता है? आप कहोगे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये उत्पादक होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं, यानी ये उत्पादक हैं। और जो जंतु होते हैं, ये होते हैं उपभोक्ता। अब यहां पर बात आ गई कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं और कंज्यूमर कौन होते हैं। ऐसे जैविक संघटक के ऐसे संघटक जो सूर्य के प्रकाश से अपने लिए भोजन बना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पादक। और ऐसे जो नहीं बना पाते, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर। हम कौन है? हम उपभोक्ता हैं। कुत्ता, खरगोश, शेर, बकरी, जितने भी जानवर हैं वो सब उपभोक्ता हैं। लेकिन पेड़ पौधे किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं, यानी जो भी ग्लूकोज वगैरह है वो बना लेते हैं। अब इस उपभोक्ताओं की भी कैटेगरी होती है, ये भी एक तरीके के थोड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अब हिरन है और शेर है, इन दोनों में अंतर है ना। हिरन पेड़ पौधों को खाता है, यानी वो उपभोक्ता को खाता है, लेकिन शेर इसे नहीं खाता है, शेर उसको खाता है। तो इस आधार पर जो ये उपभोक्ता होते हैं, इनकी भी कैटेगरी होती है। इसमें एक होते हैं जो प्राथमिक हो, एक होते हैं जो द्वितीयक हो, और एक होते हैं जो तृतीयक हो, तृतीयक होते हैं। आप कहेंगे जी प्राथमिक वाले कौन होते हैं? मैं कहूंगा प्राथमिक वो होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे कीट पतंगे। कीट पतंगे किसको खाते हैं? पत्तियों को खाते हैं ना, जो पेड़ पत्तियां होती हैं वो खाते हैं। तो कीट पतंगे किस में आएंगे? वो प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। इसी तरीके से जितने भी जीव हैं, अगर आप घरेलू पशुओं में देखो तो गाय हो गई, भैंस हो गई, आप अगर और देखो तो जैसे हिरन हो गई, वो सब चीजें जो घास वगैरह को खाती है, मांस का सेवन नहीं करती है, वो सब क्या होते हैं? वो सब होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता, वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं। बात समझ रहे हैं? नहीं, लेकिन वो हर्पीबोरस होते हैं, यानी कहने का मतलब है वो शाकाहारी होते हैं, बस उपभोक्ताओं में यही होते हैं शाकाहारी, ये होते हैं शाकाहारी। अब द्वितीयक में कौन आ जाते हैं? जो इनका भक्षण करते हैं, यानी वो उनका भक्षण करते हैं जो कि शाकाहारी है, जैसे कीट पतंगों का भक्षण करने वाला। आप कहोगे जी मेंढक करता है, छिपकली करती है, छिपकली देखा होगा ना, कीट पतंगों को खाती रहती है। तो ऐसे कंज्यूमर जो कि शाकाहारी को खा रहे हैं, उनको कहा जाता है द्वितीयक। और तृतीयक में कौन आते हैं? जो ऐसे जीवों को भी खा लेते हैं जो अपने आप में, क्योंकि ये वाले जो द्वितीयक वाले हैं ये कैसे हैं? मांसाहारी हैं, ये तो मांसाहारी है ना, ये तो मांसाहारी है, मांसाहारी।
तृतीयक में वो आते हैं जो मांसाहारियों को भी खा लेते हैं और शाकाहारियों को भी खा लेते हैं, जो मांसाहारी को भी खा लेंगे। जैसे आप अगर बात करें सामान्य तौर पर, अगर हम शेर की बात करें तो शेर केवल शाकाहारी को थोड़ी खाता है, केवल वो हिरण को ही थोड़ी खा रहा है, वो तो कोई मांसाहारी जीव है तो वो उसे भी खा लेगा, वो तो भेड़िए का मांस भी खा लेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बाज, बाज चिड़ियों को भी खा लेगा जो अन्न चुगती हैं, वो शाकाहारी हैं, वो ऐसी वर्ड्स को भी खा लेगा, लेकिन वो सांप को भी खा लेगा बाज, और सांप तो अपने आप में छोटे जीवों को खाता है। तो समझिएगा, ऐसे जो मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं और शाकाहारी को भी खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जो केवल शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें बोलते हैं द्वितीयक, और जो शाकाहारी चीजों को ही खाते हैं, यानी शाकाहारी का मतलब हो गया साग को खाते हैं, आप कह सकते हैं उत्पादक को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। तो आप कहेंगे जी मनुष्य में कुछ तो ऐसे हैं जो ये खाते हैं, है नहीं है, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, तो ये तो सामान्य तौर पे पेड़ पौधों को खा रहे हैं तो ये तो शाकाहारी प्रकार के हो गए। मनुष्य शाकाहारी जानवरों को भी खा लेता है, खा लेता है ना शाकाहारी जानवरों को, ठीक है, उनको भी खा लेता है, यहां तक कि वो मांसाहारी को भी खा लेता है। कुछ लोग हैं नागालैंड की साइड चले जाओ, नागालैंडी लोग वो सांप भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, वो चीजें खा लेते हैं, और वो मौका मिला तो तृतीयक को भी खा लेते हैं, बात समझ रहे, उन्हें अगर मौका मिला तृतीयक को भी। इसलिए मनुष्य ऐसा है जो इनको भी इनको भी इनको भी और इनको भी खा लेता है, इसलिए मानव को किस में रखा जाता है, सर्वाहारी में रखा जाता है। सर्वाहारी मतलब सबको खाने वाला, यह सर्वोच्च है, यह हर चीज खा लेता है, चाइना में जाओगे तो शायद सब कुछ, बात आपको समझ में आ रही है। तो ये जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब जैविक है, आप पर्यावरण पढ़ना शुरू कर दिया है, तुमने समझना शुरू कर दिया है, बस यहीं से अंदर पहुंचना है। तो मैंने क्या कहा आपसे, पर्यावरण दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, एक होते हैं जैविक एक होते हैं अजैविक। जैविक में आती हैं जीवित चीजें, सामान्यतः जीवित चीजें दो वर्गों में बांटी जाती हैं, एक उत्पादक एक उपभोक्ता। उत्पादक वो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, जिसमें बात करते हैं पेड़ पौधों की, खास करके हरे पेड़ पौधों की। उपभोक्ता वो होते हैं जो इन पेड़ पौधों से या अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता तीन कैटेगरी के होते हैं, एक जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, द्वितीयक वाले वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, और तृतीयक वाले वो होते हैं जो प्राथमिक को भी खा लेते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा लेते हैं, उनमें आता है आपका ये तृतीयक। और मनुष्य जो है वो क्या है आपका, वो तो सर्वाहारी है, समझ रहे हैं आप। अब कुल मिला के मेरे को बताओ इनके अंदर चीजें कहां से आई होंगी, आप कहेंगे इसको इसने खाया, इसने इसको खाया, इसने इन दोनों को खाया, कुल मिला के इन सबके अंदर अंश जो आया होगा वो तो पेड़ पौधों से आया होगा, है तो एनर्जी क्रिएट कौन कर रहा है, ऊर्जा को बना कौन रहा है। आप कहेंगे जो पेड़ है, देखो यहां जो पेड़ है ये क्या कर रहा है, आप कहेंगे ये पेड़ बना रहा है ऊर्जा, ऊर्जा को अपने अंदर ये बना रहा है ना, ऊर्जा ये बना रहा है। अच्छा ये ऊर्जा कैसे बना रहा है, तो आप कहोगे ऊर्जा बना रहा है ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है, यहां पर ये प्रकाश आ रहा है, केवल प्रकाश से थोड़ी बन जाएगी ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब सामान्य तौर पे मैं यहां कह सकता हूं ग्लूकोज, ऐसे मान लो ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 मान लो। अब ये कैसे बना रहा होगा, ऊर्जा कैसे बना रहा है, ग्लूकोज कैसे बना रहा है, तो आप कहोगे ये मृदा से बहुत सारी चीजें खींच रहा होगा ऊपर, तो मृदा से क्या चीज खींच रहा होगा ये ऊपर, ये खींच रहा होगा पोषक तत्व। पोषक तत्व बोले जैसे तो जैसे जल हो गया, जैसे खनिज हो गया, खनिज जानते हैं मिनरल्स, खनिज आयरन वगैरह वो सब भी तो ले रहा होगा, नहीं ले रहा होगा, नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रोजन भी मृदा से लेगा, इधर से जारी होगी सब चीजें, और ये वायु से भी प्राप्त कर रहा होगा जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मृदा से पेड़ ने कुछ लिया, कुछ वायु से लिया, पेड़ पौधे एक जगह से नहीं लेते, आपको लगे केवल मृदा नहीं, उन्हें वायु भी चाहिए, उन्हें मृदा भी चाहिए, उन्हें प्रकाश भी चाहिए, इसलिए पेड़ पौधे वहां सर्वाइव करते हैं जहां तीनों चीजें हों, वहां प्रकाश भी होना चाहिए, वहां मृदा भी होनी चाहिए सामान्य तौर पर, और वहां पर जो है वो आपकी वायु भी होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने ऊर्जा। अब जितना ये पदार्थ था, ये पदार्थ इनके इसके अंदर आ गया, इसको खा लिया किसने, बोलो, शाकाहारी उपभोक्ता ने इसको खा लिया,
शाकाहारी उपभोक्ता में आप कहोगे कीट पतंगे वगैरह वो सब आ गए, शाकाहारी में आ गए, हमने मान लिया कीट आ गए, कीट शाकाहारी में आ गए। तो ये जो आइटम था जो इन्होंने मृदा से खींचा वो सब इधर आ गया, इसको खा लिया द्वितीयक उपभोक्ता ने। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैं कह दूं जी मेंढक ने खा लिया या सांप ने खा लिया, फिर ये चीज इसके अंदर आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, अब आगे तृतीयक आ गया, ये सर्वोच्च में आ गया तृतीयक में। अब तृतीयक में आप रख सकते हैं जैसे वाज हो गया, जैसे मोर हो गया, मोर क्योंकि मोर सांप को भी खा लेता है, ये हो गए, तो ये तृतीयक हो गए, इसने इसको खा लिया। तो आप देखिए कहां से ऊर्जा की शुरुआत हुई, आप कहेंगे ऊर्जा यहां से आई, ऊर्जा यहां से, यहां से, और पेड़ के अंदर उसने संचित कर लिया, और यहां से फिर वो शाकाहारी उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक उपभोक्ता में, फिर तृतीयक उपभोक्ता में। अब क्या होगा, जब ये मरेगा तो मरने के बाद कहां जाएगा, मिट्टी में मिलेगा, ये भी मरने के बाद मिट्टी में मिलेगा, ये भी मरने के बाद मिट्टी में मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में होते हैं सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो सूक्ष्म जीव मृदा में होते हैं और वो इन सबको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं दोबारा से, अपघटन कर देंगे। अब आप कहोगे जी अपघटन किसका करेंगे, मैं कहूंगा शरीर का। बोले शरीर कहां से आया, शरीर यहां से आया, ये शरीर जो बढ़ा है वो ऊर्जा से तो बढ़ा है, तो शरीर अपघटित होगा। अपघटित किस चीज में होगा, दोबारा से नाइट्रोजन में, खनिज में, जल में, सब चीजों में टूट जाएगा, और दोबारा से ये पोषक तत्व पेड़ पौधे प्राप्त करेंगे और फिर से वो ऊर्जा बनाएंगे, फिर से शाकाहारी, द्वितीयक, तृतीयक, फिर मरते जाएंगे। तो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिलेंगे, ये जो लाइन सुनी है ना, वो लाइन एक साइंटिफिक लाइन है, उसे आप ऐसा मत मानिए। जो हमारे अंदर अभी सर्वाइव कर रहे हैं ना, जो न्यूट्रिशन, आपने खाना खाया, वो खाना क्या था, आप कहेंगे वो अनाज है, लेकिन वो अनाज में वो चीजें कहां से आई, मृदा से आई ना। फाइनली जितना हम लाइफ टाइम कवर करेंगे, अपने अंदर इकट्ठा करेंगे, मरने के बाद वो सब किधर चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। ये एक चक्र है, एक साइकिल है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में चलता रहता है। आ रही है बात समझ में? तो जैविक संघटक में, जो जैविक संघटक होते हैं ना, इसमें दो चीजें नहीं होती, तीसरी चीज होती है जो आपको दिखाई नहीं देती, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, और तीसरा एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं अपघटक। यानी कहने का मतलब यह हुआ आपका कि जैविक संघटकों में तीन चीजें आती हैं, एक आते हैं पेड़ पौधे यानी इसे बोलते हैं उत्पादक, दूसरा जंतु, और तीसरे होते हैं अपघटक। अपघटक बोले तो जो तोड़ते हैं, जो डीकम्पोज करते हैं बॉडी को। इसमें हम किसकी बात करते हैं, आप कह देंगे इसमें आ जाते हैं जीवाणु वगैरह, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, जीवाणु, ये जीवाणु वगैरह वो सब इसमें आ जाएंगे। आई बात समझ? अजैविक संघटक में क्या होता है, अजैविक संघटकों में आती हैं वो सब चीजें जो मृत हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा जल, जैसे मैंने कहा वायु, जैसे मैंने कहा मृदा, भाई मृदा कह दो या चट्टान कह दो, चट्टान से मृदा बनती है, ये जो मृदा बनी हुई है चट्टान से बनी है ना, तो जल हो गया, वायु हो गई और मृदा हो गई, ये अजैविक संघटक है। लेकिन आपको पता है इन्हीं पर बेस होते हैं कौन, आपके उत्पादक, ये तो अजैविक संघटकों पर निर्भर करते हैं उत्पादक, इन्हीं पर निर्भर करते हैं जंतु भी, जंतु इन पर कैसे निर्भर करते हैं, वायु चाहिए, हमें भी वायु चाहिए ना, हमें वायु भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, तो ये लोग भी इन पर निर्भर करते हैं, ये वाले भी, ठीक है। तो जैविक और अजैविक संघटक आपस में मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तुम्हें क्या, कैसे हंसी कैसे आ रही है, बहुत देर से देख रहा हूं, कोई बात है, कोई रीजन है, क्या है, बताओ बताओ, नहीं और कोई बात है तो बताओ ना, लड़की वड़की का मामला है तो बताओ, है तुम्हारी फिरकी ले रहे हैं, तुम पे हंस रहे भाई, ये इस भाई पे हंस रहे हो, अच्छा क्या हुआ, हाँ कुछ रीजन बताओ हंसने का, मैं भी हंसूंगा। चलिए,
तो पर्यावरण में दो प्रकार के संघटक होते हैं, जैविक संघटक और अजैविक संघटक। बात आई इतनी क्लियर हुई? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताओ। नहीं, सेकंड में नहीं आएगी। कुछ सांप जो होते हैं वो सर्वोच्च में आते हैं, जैसे कि स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे किंग कोबरा कहते हैं, वो सर्वोच्च में है क्योंकि वो अपने बच्चों को भी खा लेता है, वो मांसाहारी जीवों को खा लेता है। सेम ऐसे ही है, एक जीव को आप एक कैटेगरी में नहीं बांध सकते, उसे हमें कई कैटेगरी में रखना पड़ेगा। जैसे कुछ सांप ऐसे होते हैं, सांप प्रजाति के जीव कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं, सिस्टम है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो प्राथमिक में, वो चीज मछलियां हैं। अब मछलियों को हम कहां रखें? कुछ मछलियां प्लैंकटन्स खाती हैं तो वो तो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, कुछ ऐसी हैं वो मछलियों को ही खाती हैं, वो सेकेंडरी हैं, कुछ ऐसी हैं जो किसी को नहीं छोड़ती, वो किसी भी जीव को खा जाएगी, तो वो सर्वोच्च है ना, इसलिए हम किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो मैं अभी आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं केवल ये आपको आज थोड़ा थोड़ा टेलर दे रहा हूं। तो इस तरीके से अब क्या है, ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है ना, जैविक जैविक आपस में जुड़ा हुआ है, अजैविक जैविक आपस में जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि आपस में मिलकर के ये सब एक खाद्य जाल बनाते हैं, एक फूड चैन बनाते हैं। फूड चैन बन गया ना, ये इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, तो एक फूड चैन होती है। पर्यावरण में सामान्य तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है फूड चैन, जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो मेन जो हमें बात करनी है, जो अब इससे अब आगे बढ़ेंगे, तो पहले पर्यावरण के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें हम जान लेंगे, उसके बाद में पर्यावरण में क्या क्या चीजें होती हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है। सुना है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, तो वो क्या होती है, कितने टाइप की होती है, अल्फा जैव विविधता क्या है, बीटा जैव विविधता क्या है, गामा जैव विविधता क्या होती है, उन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, फिर कैसे जैव विविधता का हनन हो रहा है, कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, वो सब बातें करनी है। उसके निवारण के लिए करंट में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं बनी है, क्या है, बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में नोट्स तैयार करवाए हैं। आप यकीन मानना, इन्वायरमेंट के नोट्स ऐसे हैं कहीं आपको वो नोट्स नहीं मिल सकता है, वैसे तो यार उसमें करंट तक मैंने उसको जोड़ दिया है। ठीक है, मतलब लास्ट जो भी समझौता वगैरह कोई हुआ है 22-23 तक, वो मैंने उसको वहां तक जोड़ दिया है, तो करंट भी रहेगा साथ साथ, और करंट के साथ साथ आपका बाकी की चीजें भी वो उसमें सब रहेंगी। ठीक है, नोट्स आपको लेना होगा, एक ही बार नोट्स रहेगा फाइनल, आप उसको ले लेना और पढ़ते चलना। ठीक है, हाँ आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, आज थोड़ा सा काम रह गया है, मुश्किल से लास्ट के एक दो पेज का काम है, कुछ डायग्राम के लिए एक दो जगह और उसमें वो करनी है, तब हो जाएगा वो, तो मैं आज उसको क्लास के बाद बैठ के कर दूंगा, और उसके बाद में फिर रात को निकल जाएंगे वो, फोटोकॉपी वाले से मैं बोल दूंगा, और कल आप उसको ले लेना, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें करनी है, पढ़नी है। अभी तो क्या है ना, आपके पास कुछ कॉपी है ना कुछ है, तो मैं पढ़ा भी दूं तो टॉपिक ऐसे ही निकलेगा। फिलहाल अभी ये बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कुछ हो? अभी ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो अभी जीएस को स्टार्ट कर रहे हैं, वो हाथ खड़ा करो भाई, जो जीएस शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हो, हिम्मत मत हारना अगर